हेलो फ्रेंड्स, नवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता की। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ नवरात्रि स्पेशल पकोड़े। इसे आप टमाटर की चटनी के साथ खाइए या दही के साथ, दोनों के साथ ये पकोड़े बहुत टेस्टी लगते हैं। ये अंदर बाहर दोनों जगह से बने हैं, एकदम सॉफ्ट। तो चलिए बनाते हैं ये व्रत स्पेशल पकोड़े। व्रत के स्पेशल पकोड़े बनाने के लिए मैंने सबसे पहले एक कटोरी साबूदाने लिए हैं और इसे ना 1 से 2 मिनट थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है। फ्रेंड्स, अगर आपको ना आज की ये रेसिपी पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो देखिए, अभी जो हमारे साबूदाने हैं ना, वो रोस्ट हो चुके हैं। तो ये साबूदानों को ना अब हम ले लेंगे एक मिक्सी के जार में और इसे ना बारीक पीस लेना है। थोड़े बहुत ना अगर इसमें साबूदाना रह जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से आपको पीसना है साबूदानों को। अब इसमें ना करीब 1 कटोरी हम गुनगुना पानी ले लेंगे और थोड़ा सा मिक्स करके साबूदानों को 10 से 15 मिनट गलने के लिए रख देंगे। जब तक ना हमारे साबूदाने गलेंगे तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेंगे। तो अब ना मैंने एक मिक्सी के जार में ले लिया है अदरक और मिर्ची और इसे भी ना हमें बारीक पीस लेना है। तो देखिए, अभी मसाला तैयार हो गया है। अब एक आलू ले लिया है मैंने और इसे भी किस लिया है। आप चाहे ना तो इसमें उबला हुआ आलू भी ले सकते हैं, पर किस के लेंगे आलू तो ज़्यादा अच्छे स्नैक्स बनेंगे, अंदर से एकदम लच्छेदार स्नैक्स बनेंगे हमारे। आलू को ना इस तरीके से हम लंबा लंबा किस लेंगे और इसे पानी में डाल के धो लेंगे अच्छे से, ताकि इसका जो सारा स्टार्च है वो निकल जाए। तो हमें 2-3 पानी में आलू के लच्छों को अच्छी तरीके से धो लेना है। अब एक बाउल में हम थोड़ा पानी ले लेंगे और इसमें डालेंगे सेंधा नमक और जो धुले हुए लच्छा आलू हमने रखा है ना, उसे भी इस पानी में डाल के रेस्ट के लिए रखेंगे। अब गाजर ले लेना है और इसे भी ना अच्छी तरीके से हमें लंबा लंबा किस लेना है। तो आज ना ये स्नैक्स बनाने के लिए मैंने 2 मीडियम साइज़ के गाजर लिए हैं। हमारे यहाँ पे ऑरेंज वाले गाजर मिलते हैं, अगर आप चाहें ना तो लाल वाले गाजर भी ये स्नैक्स में यूज़ कर सकते हैं। अभी गाजर तो अच्छी तरीके से किस गया है, तो अब हम किस लेंगे लौकी को। ये स्नैक्स बनाने के लिए ना मैंने मीडियम साइज़ की लौकी का आधा पोर्शन लिया हुआ है। जो भी चीज़ आप इनमें से व्रत में नहीं खाते हैं ना, वो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो लौकी को भी हमें लंबा लंबा इस तरीके से किस लेना है। अब हम साबूदाने देख लेंगे, जो हमने साबूदाने 10-15 मिनट के लिए गला के रखे थे वो भी अच्छी तरीके से देखिए गल चुके हैं। थोड़े से ये साबूदाने सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब साबूदाने में डालेंगे हम सबसे पहले किसे हुए गाजर और साथ ही में डाल लेंगे किसी हुई लौकी। लौकी चाहे ना तो पानी निकाल के भी ले सकते हैं, मैंने आज ऐसे ही लौकी ली हुई है। अब जो आलू हमने नमक के पानी में रखा था ना, उसे भी स्क्वीज़ करके लौकी और गाजर के साथ मिक्सिंग बाउल में डाल लेंगे। अभी आलू गाजर लौकी के साथ हम डालेंगे मिर्ची और अदरक का पेस्ट और साथ ही में डालेंगे 1/2 कटोरी सिंघाड़े का आटा। अगर आप ना व्रत में भगर या तो सेवई के चावल खाते हैं ना, तो वो भी पीस के इसमें मिला सकते हैं। हमारे यहाँ पे भगर नहीं खाई जाती है व्रत में, इसलिए मैंने यहाँ पे सिंघाड़े का आटा लिया हुआ है, जिससे कि हमारे स्नैक्स सॉफ्ट बने हैं। अगर आप सेवई के चावल या तो भगर के चावल को पीस के लेंगे ना, तो आपके जो स्नैक्स हैं वो थोड़े से क्रिस्पी बनेंगे। अभी मैंने इसमें डाल लिया है स्वाद अनुसार सेंधा नमक और अच्छी तरीके से ये मिक्सचर को मिक्स कर लेना है। देखिए, मिक्स होने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिखने लगेगा। अभी ये मिक्सचर में से छोटी छोटी सी गोलियां ले लेना है और इसे थोड़ा प्रेस कर करके हमें वड़े का शेप दे देना है और प्लेट में फ्राई होने के लिए रखना है। या तो आप इस तरीके से प्लेट में वड़े बना बना के रख के और एक साथ फ्राई कर लीजिए, और या तो डायरेक्ट तेल में डाल के फ्राई कर लेना है। अब ये पकौड़ों को फ्राई करने के लिए ना हमें गैस का फ्लेम मीडियम और हाई में रखना है। जैसे हम साबूदाने के वड़ों को या तो फिर प्याज के पकोड़ों को फ्राई करते हैं ना, वैसे ही हमें ये पकोड़ों को भी फ्राई करना है। पहले गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है, बाद में हाई फ्लेम में गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। अब देखिए, जो हमारे व्रत के पकोड़े हैं ना, वो बन के एकदम तैयार हो चुके हैं, एकदम गोल्डन ब्राउन इसमें कलर आ चुका है। तो हम इन्हें निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो दिख रहे हैं ना ये व्रत के पकोड़े एकदम टेस्टी।
तो चलिए इसे और टेस्टी बनाने के लिए हम इसके साथ खाने वाली बना लेते हैं फटाफट से टमाटर की चटनी। अब चटनी बनाने के लिए ना मैंने छोटे वाले मिक्सर के जार में ले ली है थोड़ी सी धनिया, 4-5 हरी मिर्च और साथ ही में मैंने ली है मूंगफली। मूंगफली को ना भून ली है मैंने और छिलके नहीं निकाले हैं, आप चाहें तो छिलके निकाल के भी मूंगफली ले सकते हैं। अब क्योंकि ये टमाटर की चटनी है तो टमाटर तो मस्त है, तो इसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ के एकदम लाल टमाटर ले लिए हैं और साथ ही में डाला है थोड़ा सा सेंधा नमक और 1 चम्मच ज़ीरा। इन सबको भी हमें पीस लेना है और देखिए हमारी टमाटर की चटनी बन के एकदम तैयार हो गई है। अब यहाँ पे अगर आपको टमाटर की चटनी नहीं खाना है तो आप ये पकौड़े दही के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं या तो ग्रीन चटनी के साथ भी खा सकते हैं। साबूदाने जो हमने पीस के लिए है ना उसकी जगह आप गले हुए साबूदानों को भी ये पकौड़े बनाने में यूज़ कर सकते हैं। और सिंघाड़े की आटे की जगह आप समा के चावल जिसे हम भगर भी कहते हैं वो भी पीस के ये पकौड़ों में डाल सकते हैं बाइंडिंग के लिए। फ़र्क इतना रहेगा कि सिंघाड़े के आटों से ये पकौड़े सॉफ्ट बनेंगे और भगर से ये क्रिस्पी बनेंगे।